हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका पुनिया। जैसा कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस स्टार्ट हुआ है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया की मोर्फोमेट्री कैसी है, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे है और उसके चारों तरफ से मतलब इंडिया को किस किसने कवर किया हुआ है। अब हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारी इंडियन मोर्फोमेट्री या फिर रिलीफ स्ट्रक्चर जो है उसका, उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा कि कहाँ पे पर्वतीय मैदान है, कहाँ पे पठारी भाग रहेंगे हमारे, कहाँ पे समतल मैदान है या कृषि योग्य भूमि कहाँ पे है हमारी, और तटीय क्षेत्रों में हमारा कौन कौन से प्रोडक्शन है या फिर उनका ढलान जो है वो कौन सा पाया जाता है, और कौन सी मुख्य नदियां उनको मतलब उनकी उत्पत्ति में, उनके ओरिजिन में उनके हेल्प करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये हमारे लिए आगे जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी कंटिन्यू होगी उसमें ये कैसे हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा इंडिया जो है वो जलवायुविक विशेषता यानी कि जलवायु की, क्लाइमेट की जो विविधताएं हैं, जो डिफरेंटेशन है जलवायु का, क्लाइमेट का, उसके कारण इसकी जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है यानी कि इसकी जो संरचना है, चाहे वो आंतरिक है यानी कि आंतरिक जो एक्टिविटी है, विवर्तनिक जो टेक्टोनिक एक्टिविटी हमारी हुई है उसके कारण, या फिर इसके ऊपर या इसके चारों तरफ ये जो हमारी वाटर बॉडी है या ऊपर जो है पश्चिम में हमारे मरुस्थल पाया जाता है यानी शुष्क भूमि है, और उत्तर पूर्व में और उत्तर में जो है हमारा माउंटेन जो हमारे पाए जाते हैं जिसे हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो इन विविधताओं के कारण यहाँ की क्लाइमेट में काफी विषमताएं पाई जाती हैं, जगह के अकॉर्डिंग उसका जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उससे हमारी जो है एग्रीकल्चर भी प्रभावित होती है, उससे रहने सहने का ढंग भी प्रभावित होता है, उससे हमारी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो भी उससे प्रभावित होती रहती हैं। उसके बाद हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं वो जैसे कितना ढलान है उसका, वो कितनी ऊंचाई लिए हुए हैं या फाइनेंशियल रूप से वो हमारे लिए किस तरह से सहायता करते हैं, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मेनली जो है मत्स्य पालन के लिए या फिर पोर्ट वगैरह यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां से किया जा सकता है, वैसे समुद्री जो मार्ग है हमारा, जल का जो मार्ग है, जो जलयानों से हमारा सामान जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, वो सबसे सस्ता साधन है। तो यहाँ से हमारी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ से इफेक्ट होती हैं। उसके बाद हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो हमारे लिए कैसे इफेक्टिव रहेगा कि जब हम मानसून के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हमारा जो बारिश का है, या फिर जो वेजिटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, या फिर हमारा जो टेम्परेचर है, क्योंकि हमारा जो हिमालय है वहाँ पे जो उच्च क्षेत्रों में जो भाग पाया जाता है यानी कि 6,000 मीटर की जो ऊंचाई पर जो भाग पाया जाता है वहाँ पे हिम टोपियां, हिमनद या ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमारी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। अब क्लाइमेट ठंडी है या गर्म है वो हमारे हिमालय से होता है इफेक्ट, क्योंकि जब यहाँ से हमारी मानसून हवाएं जाती हैं तो यहाँ से टकरा के कर्व टाइप में रूप लेके वो पश्चिम की तरफ चलती हैं, पश्चिम उत्तर की तरफ चलती हैं, बिकॉज ऑफ हमारा जो हिमालय है वो कर्व टाइप में फैला हुआ है। अब हमारी जो स्नो लाइन है वो यहाँ पे काफी कम पाई जाती है, मतलब कम ऊंचाई पे पाई जाती है, और यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई पे वो पाई जाती है, उसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। फिर हमारा जो पश्चिमी जो भाग है, शुष्कतम जो क्षेत्र है जिसे हम थार मरुस्थल के रूप में जानते हैं, वहां पे हमारी कौन सी एग्रीकल्चर रहेगी, किस टाइप की लोगों का रहन सहन है, या कौन सी पर्वत संरचना यहाँ पे निर्माण हुआ है और उसका निर्माण कब हुआ था, और वहां पे वनस्पति या फिर जीव जंतु जो है किस तरह से इफेक्ट होते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। फिर हमारे मेनली रहेंगे पठार कौन कौन से हैं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा पूरा इंडिया है उसको जो पूरा दक्कन पठार है, दक्षिणी भारत का जो पठार है, या प्रायद्वीपीय पठार आप उसे बोल सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का भाग उसे बोल सकते हैं, तो उसको छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में उसे बांटा गया है, उसके बारे में भी हमें ब्रीफली समझना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा मेन, इंडियन मोर्फोमेट्री एंड रिलीफ स्ट्रक्चर। अब इसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम अब तक जो कर चुके हैं वो यहाँ से थोड़ा सा रिलेट होगा वो टॉपिक, क्योंकि उसमें हम हमारा हिमालयन माउंटेन का वर्टिकल और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारी जो रेंजेस हैं, रेंज हैं जैसे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, वो रेंज हम कर चुके हैं वर्टिकल, उसको बांट चुके हैं। उसके बाद उसको कौन कौन सी लाइन अलग करती है, जैसे हमने उसमें किया था MBT, MCT और IST, ISZ, इंडियन स्ट्रक्चर जोन हम उसे बोलते हैं,
उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा जो हिमालय है उसका हॉरिजेंटल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हिमालय को चार भागों में बांटा था, जिसमें पंजाब हिमालय या जम्मू हिमालय आप उसे बोल सकते हैं, फिर कुमायूं हिमालय है, फिर असम हिमालय सॉरी नेपाल हिमालय है, और फिर हमारा असम का हिमालय है, तो उसको हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारी जो नॉर्थ की जो रिवर्स हैं, नॉर्थ रिवर सिस्टम जिसे सिंधु नदी तंत्र के रूप में हम जानते हैं, सिंधु की पंचनद सहायक हैं, उनका ओरिजिन, उनका डिपोजिशन और वो किस किस क्षेत्र से बह रही हैं, कहाँ से गुजर रही हैं, उसका प्रभावित या सिंचित क्षेत्र है कौन कितना है, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर में उसका जो जलायत जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारी उत्तराखंड से जो ओरिजिन है हमारी गंगा नदी, उसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारा जो नॉर्थ का जो पॉइंट है यानी कि सिंधु नदी तंत्र वो हम कर चुके हैं। फिर हमारी उत्तरी भारत का जो मैदान है यानी कि पंजाब हरियाणा से स्टार्ट करके और असम अरुणाचल प्रदेश तक का जो हमारा पॉइंट है, जिसमें हमारी मेन जो रिवर्स रहती हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वो, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो उनकी सहायक हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर हमारी नॉर्थ सॉरी साउथ इंडिया की हमारी रिवर्स आती हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल से लेके और कन्याकुमारी तक या तमिलनाडु तक आप इसे बोल सकते हैं, जो हमारा लास्ट का साउथ ईस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, वहां तक जो हमारी रिवर्स हैं जो पूर्वी ये जो हमारा पूर्वी ढाल के अकॉर्डिंग बहती हुई बे ऑफ बंगाल में अपना संगम करती है या अपना मुहाना बनाती हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमारी जो पश्चिमी रिवर्स रही हैं जो पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं, जिसमें मुख्य नदी थी हमारी नर्मदा और ताप्ती, उसके बारे में हम कर चुके हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि हम पहले क्या कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं वहां से रिलेट करता रहेगा, इसलिए मैंने आपको सिर्फ रिमाइंड करवाया है कि हम यहाँ से ये सब चीजें कर चुके हैं। अब रिवर्स मैंने क्यों बताई आपको मेनली, क्योंकि हमारा जो दक्षिण भारत का पठार है, ये जो भाग उभरा हुआ है जिसे हम दक्कन पठार कहते हैं या दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का जो पठार कहते हैं, वो जो उभार है वो किस किस दिशा में है, वो इन नदियों के बहने की जो प्रवाह होने की जो दिशा है उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि उसका जो है झुकाव किस डायरेक्शन में है। क्योंकि यहाँ से जब आपने देखा था जो हमारी गंगा नदी की सहायक थी सोन नदी और केन नदी, फिर है तमसा या टोंस नदी, फिर पुनपुन नदी थी हमारी, उसके बाद दामोदर जो रिवर्स थी, तो ये क्या है उत्तर पूर्व की तरफ बह रही थी। फिर हमारी कुछ नदियां थी जो जिनका ओरिजिन पश्चिमी घाट से था या सहाद्री से आप बोल सकते हैं, यहाँ से इनका ओरिजिन था, और ये जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हुई या फ्लो करती हुई जाती हैं, तो यहाँ से इसका उभार हमें पता चलता है कि पश्चिमी घाट जो है ऊपर उठा हुआ है और जो पूर्वी घाट जो है नीचे धंसा हुआ है या नीचे की तरफ उसका झुकाव है या टिल्ट है। तो हमें सबसे पहले जब इंडिया की मोर्फोमेट्री या स्ट्रक्चर के बारे में करना है तो उसमें हम देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, पर्वत के कितने भाग किए गए हैं, उसके बाद हमें देखना है कि दक्षिण भारत का पठार जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, और उसके अंदर छोटे छोटे जो पर्टिकुलर विशेष जगह के अकॉर्डिंग उन भागों में बांटा गया है उस पठार को, वो कौन से पठार रहेंगे, उसके मुख्य रेंज कौन सी है, कौन सी मुख्य पर्वत श्रेणियां उसकी रहेंगी, उसके बारे में हमें देखना है। फिर हमारा पश्चिमी सहाद्री या सहाद्री आप उसे बोल सकते हैं या पश्चिमी घाट उसे बोल सकते हैं आप, और पूर्वी घाट जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और उसकी जो है कितने सब डिवीजन उसके किए गए हैं, कहाँ से कहाँ तक उसको बांटा गया है। उसके बाद हमें जो हमारा मेन जो फोकस पॉइंट रहेगा, जहाँ से हमारा क्वेश्चन हर बार अराइज होता रहता है यूजीसी नेट में भी, वो हमारा रहेगा कि हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसको मुख्य उसके जो रॉक फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है उसका मतलब उसके जो बड़े बड़े बोल्डर या शैल खंड से लेके और महीन रेत के कणों तक उसकी जो फॉर्मेशन है, यानी गिरिपथ से लेके और डेल्टा या जो नदी का मुख्य मुहाना है वहां तक उसको मुख्य कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसका जो प्रादेशिक विभाजन है यानी कि वो किस किस राज्य में हमारा फैला हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं हम कि हमारा उत्तरी पर्वतीय मैदान क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वो हमारे टोटल जो इंडिया का जो परसेंटेज है उसका कितना किंदा कवर करके रखता है, तो पर्वतीय जो क्षेत्र है हमारा वो 11% भाग को घेरे हुए हैं, और पहाड़ियों का जो भाग है हमारा पहाड़ियां वो
18% कवर किए हुए हैं, फिर हमारा पठारी भाग रहेगा, पठारी भाग ये हमारा 28% को घेरे हुए है या इसको कवर करके रखता है 28% को, और नेक्स्ट रहता है हमारा मैदानी भाग, यानी समतल मैदान का जो भाग रहेगा हमारा, जो इस वाले पोर्शन में लाई करता है जहां से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं जिन्होंने अपना डेल्टा बनाया है या अपने द्वारा लाया गया अवसाद या जलोड एलुवियल सोइल को वहां बिछाया है, तो मैदानी भाग रहेगा जो सबसे ज्यादा जो है 43% जो है घेरे हुए है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से ये पॉइंट कि पर्वतीय क्षेत्र कितने प्रतिशत को घेरे हुए है, पहाड़ी कितने पे है, पठारी भाग कितने पे फैला हुआ है और मैदानी कितने भाग को कवर करके रखता है। अब हमें देखना है कि उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र रहेगा हमारा, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश रहेगा, वो कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी उसकी चौड़ाई है, कितनी उसकी लंबाई है, उसके बारे में हमें देखना है। तो हम देखते हैं कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र रीजन या प्रदेश आप इसे बोल सकते हैं, तो उत्तरी उत्तर का जो ये नाम है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यहां से आपको सिंपली ध्यान आया होगा कि ये हमारा नॉर्थ का पॉइंट है और ये वाला जो पूरा पोर्शन है हमारा पर्वतीय है, तो ये पूरा का पूरा भाग इसके अंदर आएगा। ये हमारी मेन जो संरचना है इसे हम हिमालय जो पर्वत है उसके नाम से जानते हैं, यानी कि हिमालय का जो विस्तार है हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। वैसे बेसिकली ये जो है जो हमारे मिजोरम नागालैंड है यहाँ ये इस बाउंड्री पे भी ये कवर करता है, लेकिन हमें इसको सब डिवीजन में करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उसके बाद अगर रिवर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो ये सिंधु नदी का जो बहाव क्षेत्र है, सिंधु नदी जहां से शुरू हुई है यानी कि जहां हमारे इंडिया में है, सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। अब ब्रह्मपुत्र हमारी यहां से एंट्री करती है तो ये वाला पॉइंट रहेगा, और सिंधु नदी यहां से हमारे ट्रांस बाउंड्री बनाती हुई पाकिस्तान में एंट्री करती है। तो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन या जम्मू कश्मीर से जो है अरुणाचल प्रदेश तक का पोर्शन आप इसमें बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारा हिमालय फैला हुआ है। अब इसका जो टोटल एरिया रहेगा वो 5,00,000 वर्ग किलोमीटर रहता है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। उसके बाद इसकी जो टोटल लंबाई रहेगी वो 2,400 किलोमीटर तक रहेगी, यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है हमारी वो 2400 किलोमीटर रहेगी। अब इसकी जो चौड़ाई है कितनी चौड़ाई या कितना वाइड है ये, वो इसके जगह के अकॉर्डिंग ये है, काफी मतलब ऊपर नीचे होती रहती है इसकी, क्योंकि मैंने जब हमने हिमालय पर्वत अच्छे से पढ़ा था उसमें भी बताया था आपको कि जो इसका पश्चिम का भाग है वो काफी चौड़ा है कंपेरिजन में पूर्वी भाग के, यानी कि यहाँ का जो भाग है वो वाइड है और इस साइड में जब ये जाएगा तो ये नैरो होता जाएगा, यानी कि ये इस शेप में हमें दिखाई देता है। तो इसकी जो चौड़ाई है अप्रोक्सीमेट 200 से 500 किलोमीटर तक पाई जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर या पश्चिमी हिमालय का जो भाग है हमारा वो अत्यधिक चौड़ा है या मैक्सिमम चौड़ा है कंपेरिजन में पूर्वी भाग के, या कंपेरिजन में हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे जो ये फैला हुआ है उसके। फिर हमें ये देखना है कि हिमालय का निर्माण कब हुआ। सबसे पहले तो हिमालय का निर्माण क्यों हुआ देखेंगे हम। तो हिमालय जब हमने पेंजिया पेंथालसा के बारे में बात किया था, टेक्टोनिक जो प्लेट्स थी हमारी उसमें हमने देखा था कि एक पेंजिया था पेंथालसा था, उसमें हमने जिक्र किया था टेथिस सी के बारे में, टेथिस सागर के बारे में हमने उसमें पढ़ा था। तो टेथिस सी जो है हमारा इस जो पोर्शन में है लाई करता था, तो वो क्या था, एक गहरा भूखंड था या धसी हुई एक कोई घाटी के टाइप में था, कोई गहरा गड्ढा था। अब यहाँ से कुछ नदियां बहती थी, जो मैंने आपको नदियों में बताया था कि पूर्ववर्ती नदियां थी, एंटीसीडेंट रिवर थी, यानी कि वो नदियां जो हिमालय के निर्माण से पहले भी वहां पे बहती थी। तो वो नदियां थी जैसे मुख्य जो नदियां हैं हमारी, सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, सतलुज है, तो ये हमारी एंटीसीडेंट रिवर है, यानी कि ये हिमालय से पहले भी बहाव था इनका और आज भी ये वहीं पे बह रही हैं,
बस इनकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब डायरेक्शन जो चेंज क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे अपमर्जेंस और सबमर्जेंस की प्रोसेस हुई, उस वजह से, यानी कि शिवालिक का जो उत्थान हुआ है हमारा, यानी हिमालय की जो शिवालिक रेंज है उसका उत्थान होने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया है, गंगा ने भी रास्ता चेंज कर लिया है अपना, और सिंधु नदी जो है अपनी इस डायरेक्शन में बह रही है। तो वो हमारा पॉइंट नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि हिमालय का निर्माण क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो जो पूर्ववर्ती नदियां थी हमारी, उनका डिपोजिशन लगातार इस एरिया में हुआ, क्योंकि यहाँ का जो रॉक स्ट्रक्चर है, इस वाले पोर्शन का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो काफी सॉफ्ट रॉक स्ट्रक्चर है या मुलायम सेल संरचना है। तो नदियां जो है अपने साथ बहुत ज्यादा मात्रा में अवसाद या मलबा लेके आती हैं और वो लगातार इसके अंदर डिपॉजिट करती रहती हैं, और जब डिपॉजिट से ये एक दिन फुली मतलब फुल हो गया या मतलब भर गया, एकदम समतल हो गया, तो इसमें अवसाद की मात्रा से ये गड्ढा जो है कंप्लीटली एकदम सरफेस लेयर के एकदम समतल हो गया। और जब यहाँ पे दो प्लेटें मैंने बताई थी आपको, अंगारा और दूसरी थी गोंडवाना, गोंडवाना प्लेट हमारा ये वाला पोर्शन रहेगा और अंगारा जो है हमारा ऊपर वाली जो पोर्शन रहता है जिसमें हमारे यूरेशियन प्लेट आती है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, अंगारा जो प्लेट है उसे यूरेशियन और जो गोंडवाना प्लेट है उसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है उसे कई विद्वानों ने एक ही माना है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जब कंप्रेशन हुआ, जब वो एक दूसरे के पास आई, तो बीच में यहाँ पे हमारा टेथिक सी था और ये मलबे से भरा हुआ है, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल से भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन की वजह से, संपीड़न की वजह से वलन पैदा हुआ या मोड़ पैदा हुआ, और जिसके कारण हमारी हिमालय का निर्माण हुआ, क्योंकि हमारी जो गोंडवाना प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वो उत्तर उत्तर पूर्व की दिशा में गति कर रही है, और यहाँ पे हमारी जो है ऊपर यूरेशियन प्लेट है वो उसके अंदर लगातार टकरा रही है। तो जब यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल उसे मिला बीच में, तो जब दोनों का कंप्रेशन, दोनों की फोर्स वहां पे लगी, ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से जो हमारी गोंडवाना या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो वहां पे वलन उभार पैदा हुआ जिसके कारण हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण जो है 7 करोड़ वर्ष पूर्व अप्रोक्सीमेट माना जाता है। अब ये जो इरा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में इसका निर्माण हुआ है, जैसे हमने हिमालय के बारे में किया था, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय रहते हैं हमारे, तो इनकी जो रेंज है वो अलग अलग कल्प में इनका निर्माण हुआ है। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है, मेनली ट्रांस हिमालय जो है अंगारा लैंड या अंगारा प्लेट का भाग है या यूरेशियन प्लेट का भाग माना जाता है, और जो हमारी महान हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, उसके बाद जो शिवालिक या बाह्य हिमालय भी आप उसे बोल सकते हैं, इसका निर्माण गोंडवाना प्लेट का ही भाग माना जाता है। तो जो हमारा महान हिमालय है, महान हिमालय का निर्माण इयोसीन कल्प में माना जाता है, उसके बाद मायोसीन में मध्य हिमालय का निर्माण माना जाता है, और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण माना जाता है। तो हमारे जो हिमालय है उसका सबसे ऊंची जो भाग है वो ट्रांस हिमालय में आता है, उसके बाद गोंडवाना लैंड की जो ऊंची भाग है वो हमारे महान हिमालय में आता है, फिर उससे साउथ के पोर्शन में हमारा मध्य हिमालय है, और उससे साउथ में जो है हमारा शिवालिक रहता है। शिवालिक हमारे मेनली इस वाले पोर्शन में रहता है जिसमें हमारे मंसूरी, नैनीताल, शिमला वगैरह जो हमारे पर्यटन स्थल है वो इसमें पाए जाते हैं। अब जो हमारा हिमालय है, उत्तरी पर्वतीय मैदान क्षेत्र जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमें हिमालय को 3 भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा हिमालय, फिर हम देखते हैं उसको ट्रांस हिमालय, और लास्ट है हमारा पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय में हमें पूरे हिमालय के बारे में पढ़ना है, उसकी रेंज के बारे में पढ़ना है, उसके जो पोर्शन बांटे गए हैं उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, यानी कि महान हिमालय, सेकंड है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय,
और थर्ड है हमारा शिवालिक हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय भी आप इसे बोल सकते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब जो हमारा ट्रांस हिमालय रहेगा वो मैंने आपको बताया कि ये अंगारा जो प्लेट है हमारा उसका पोर्शन है, अंगारा प्लेट का भाग माना जाता है ये। और पूर्वांचल जो हिमालय रहेगा हमारा वो इस वाले पोर्शन में फैला हुआ है, यानी नामचा बरवा के आगे जब ये मोड़ खाता है, इसके अंदर जब बैंड आता है, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा जिसे अराकान योमा या अराकान श्रेणी के रूप में हम जानते हैं, तो उसे हम पूर्वांचल हिमालय के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये अराकान योमा जो है हिमालय का ही भाग है। ये हमारी जो है भारत और म्यांमार के बीच में या बर्मा के बीच में आप उसे बोल सकते हैं, प्राकृतिक या नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। ये जो हमारा पूर्वांचल हिमालय है वो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में फैला हुआ है। अब महान हिमालय जो है हमारा, महान हिमालय में हमारी सबसे ऊंची चोटी, वर्ल्ड फेमस सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसके अंदर पड़ती है हमारी, वो कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8848 मीटर, कहीं कहीं आप जो है इसे 50 भी पा लेंगे, मतलब कहीं किसी बुक में 50 दिया हुआ मिलेगा तो कहीं पे 48 लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद हमारी जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा धौलागिरी और नंदा देवी, ये कुछ ऊंची चोटियां जो हैं हमारे महान हिमालय में पाई जाती हैं। उसके बाद महान हिमालय की जो एवरेज हाइट रहती है वो 6000 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है महान हिमालय की। इसमें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो पीक पॉइंट है हमारा एवरेस्ट जो नेपाल में है, वो महान हिमालय जो रेंज है उसी में पाया जाता है। उसके बाद कंचनजंगा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये कुछ और पीक पॉइंट हैं, ये भी इसी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो महान हिमालय है वो उसका निर्माण जो है इयोसीन इरा में या कल्प में हुआ था। और महान हिमालय जो है इसमें हमारे जो है हिमनद या ग्लेशियर आप इसे बोल सकते हैं, ग्लेशियर इसमें हमारे पाए जाते हैं। अब सेकंड है हमारा मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। अब इसके जो महान हिमालय जो है हमारा, उसके साउथ में मध्य हिमालय हमारा आएगा। ये वाला जो पोर्शन था हमारा ये महान हिमालय का था हमारा। अब इसके नीचे साउथ में, इसके साउथ में जो हमारा रहेगा वो रहेगा मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, हम इसे बोल सकते हैं ये वाला पोर्शन, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग जो है हिमाचल के पास है, तो इसे हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय भी बोला जाता है। और इसमें हमारे पर्यटन जो क्षेत्र है वो सभी इसमें पाए जाते हैं, पर्यटन क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं, जैसे रानीखेत, मंसूरी और शिमला और नैनीताल। तो ये कुछ मतलब टूरिस्ट प्लेस हैं जो हमारे मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय में पाए जाते हैं। अब थर्ड रहेगा हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। ये मध्य हिमालय के साउथ में, यानी कि मध्य हिमालय के नीचे ये लाई करता है। ये सबसे लंबी एक श्रृंखला है जो जम्मू कश्मीर से और अरुणाचल और असम जो हमारा प्रदेश है, जो स्टेट है, वहां तक ये फैला हुआ है। और शिवालिक हिमालय में हमारे जो है कुमायू हिमालय जो रेंज है हमारी, मतलब शिवालिक, हाँ, इसमें शिवालिक का जो निर्माण हुआ था वो इन दोनों के बाद हुआ था, यानी कि सबसे नई जो एक संरचना है, जो सेल सॉरी एक रेंज है, आप इसे एक रेंज बोल सकते हैं, तो शिवालिक का निर्माण इन दोनों के बाद हुआ था। ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है हमारे हिमालय का। अब जब आप साउथ की साइड से हिमालय की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें शिवालिक के ऊपर ही जाना पड़ेगा, उसके बाद हम मध्य हिमालय, फिर महान हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय पे हम जाएंगे। तो
तो ये हमारी शिवालिक जो रेंज है ये पाई जाती है। जब शिवालिक का निर्माण नहीं हुआ था, अभी मैंने आपको बताया कि शिवालिक के उत्थान के बाद ही सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, लेकिन शिवालिक के निर्माण से पहले, शिवालिक के उत्थान से पहले जो है ये तीनों नदियां एक ही तरफ बहती थी, एक ही साथ ये एक ही डायरेक्शन में ये बहती थी, तभी इन्हें इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से बुलाया जाता था। इंडो ब्रह्मा नदी के नाम से पुकारा जाता था जो शिवालिक के निर्माण से पहले थी। अब शिवालिक के निर्माण के बाद जो है ये अलग अलग हो गई, ये हमारी इस साइड की जो है हमारी सिंधु है, उसके बाद ये वाला पोर्शन में गंगा नदी है हमारी, और यहाँ से जो एंट्री करती है तिब्बत के रास्ते से बहते हुई आएगी और नामचा बरवा से टकरा के इंडिया में एंट्री करेगी, तो वो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर रहेगी। ये हमारी थी हिमालय की जो मेन, जो इसको तीन भागों में बांटा गया है। फिर ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय को हम ये पढ़ेंगे कि ये हमारे अंगारा प्लेट का भाग है, ये हमारी इंडियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, ये सबसे ऊंचा भाग है हिमालय का, ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है और उत्तरतम पॉइंट भी आप इसे बोल सकते हैं। हिमालय में ये हमारा महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, ये हमारी शिवालिक रेंज है, तो ये वाली जो पोर्शन रहेगा यानी कि नॉर्थ ईस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं आप हिमालय का, इसे ट्रांस हिमालय है। अब हमारे जो सभी जो ग्लेशियर हैं हमारे, जैसे बियाफो है और सियाचिन ग्लेशियर है, तो वो हमारे ट्रांस हिमालय में ही पाए जाते हैं। और हमारी जो है रेंज है, जैसे कराकोरम रेंज है, लद्दाख है, जास्कर रेंज है, वो हमारी ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती हैं। और जो मेन हमारी कराकोरम जो रेंज है, कराकोरम जो हमारी श्रेणी है, एक लद्दाख रेंज के बारे में हम, जो हमारा हिमालय का जो चैप्टर था उसमें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ जब ट्रांस हिमालय की ही बात करनी है तो हम इन तीन श्रेणियों की बात करेंगे, क्योंकि ट्रांस हिमालय के जो भाग है उसमें ये तीन ही श्रेणियां आती हैं। तो कराकोरम जो है सबसे मेन है, इसे एशिया की रीढ़ या मेरुदंडी से बोला जाता है। कराकोरम रेंज को एशिया की रीढ़ या मेरुदंड या फिर हिमालय की रीढ़ भी इसे बोला जाता है, हिमालय की बैकबोन इसे बोला जाता है। और लद्दाख और जास्कर जो रेंज है, आपको पता ही है कि हमारी जो फेमस सिंधु नदी जो है इन दोनों के बीच से क्रॉस करके जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा पूर्वांचल हिमालय, जो हमारी बर्मा या म्यांमार के साथ एक नेचुरल बाउंड्री का निर्माण करता है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फैला हुआ है। यहाँ से नामचा बरवा के आगे जब ये मोड़ खाता है तो इसे पूर्वांचल हिमालय के रूप में जाना जाता है, या पूर्वी हिमालय भी आप इसे बोल सकते हैं, या अराकान योमा जो श्रेणी है उसके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है हमारे, वहां पे ये फैला हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि हिमालय को मुख्य कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को नदियों के आधार पर चार मुख्य भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा पंजाब हिमालय, फिर है हमारा कुमाऊ हिमालय, थर्ड है नेपाल हिमालय, जिसे महाभारत लेक के नाम से भी जानते हैं, फिर है हमारा असम हिमालय। ठीक है, तो अभी ये चार भागों में हमारे जो हिमालय है उसको बांट दिया गया है। पहले हमने हिमालय को तीन भागों में बांट के पढ़ा था, उसकी हाइट और उसकी जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग बांटा था, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर उसको हमने तीन भागों में बांट दिया, नॉर्थ हिमालय, मिडल हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। उसके बारे में पढ़ने के बाद अब हम जो इसकी मेन जो रिवर्स हैं उसके आधार पर इसको बांटा गया है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे हमने नदियों में किया था ड्रेनेज, जब हमने किया था तो यहाँ पे हमारी जो है
सिंधु है, फिर यहां से हमारी ये हमारी सतलुज नदी है, ये सतलुज है, ये थी हमारी सिंधु, ये है सतलुज, ये है काली, जो हमारी इंडिया और नेपाल की बाउंड्री या फिर उत्तराखंड और नेपाल की बाउंड्री बनाती है, फिर है हमारी तिस्ता, और यहां है हमारी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। अब इनके आधार पर हिमालय को बांटा गया है। अब ये जो वर्गीकरण किया है वो सर सिडनी, सर सिडनी बुरार्ड ने किया है, नदियों के आधार पर इसको बांटा है। तो सिंधु से सतलुज तक का जो भाग रहेगा हमारा, उसे हम पंजाब हिमालय बोलते हैं, यानी कि सिंधु से सतलुज तक जो फैला हुआ है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा कुमायू हिमालय, जो सतलुज से काली के बीच में फैला हुआ है, सतलुज से काली के बीच में फैला हुआ है, उसे हम कुमायू हिमालय कहते हैं। फिर हमारा नेपाल हिमालय, जो काली से तिस्ता के बीच में फैला हुआ है, काली से तिस्ता के बीच में फैला हुआ है, उसे हम महाभारत लेक या नेपाल हिमालय बुलाते हैं। और फिर लास्ट है हमारा असम हिमालय, जो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, ये हमारे हिमालय का इष्टतम जो बिंदु, आप इसे बोल सकते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। अब इसकी जो लंबाई रहेगी, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 500 किलोमीटर है, फिर कुमायू हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है, नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर, और असम हिमालय की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 500, यहाँ 320, ये 800 और ये 720 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा जो पंजाब हिमालय है उसकी ऊंची चोटी केटू है, और कुमायू हिमालय की ऊंची चोटी धौलागिरी है, फिर नेपाल हिमालय की ऊंची चोटी आप जानते ही हैं एवरेस्ट, और असम हिमालय की ऊंची चोटी जो हमारे इंडिया की ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। तो ये हमारा हिमालय को नदियों के आधार पर हमने बांट दिया, जिसके ऊपर सबसे पहले काम या जो मेन जो काम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो सर सिडनी ब्रूगार्ड ने किया था, और नदियों के आधार पर इसको बांटा था। अब हमारा रहेगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हिमालय कौन कौन से स्टेट्स में फैला हुआ है, उसके आधार पर हम इसको बांटेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला है हमारा पंजाब हिमालय, जम्मू हिमालय या पंजाब हिमालय, फिर हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, फिर हमारा आता है नेपाल हिमालय वाला पोर्शन, जो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो बिहार और पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री है वो वाला पोर्शन इसमें आएगा, और फिर हमारा जो है ब्रह्मपुत्र या अरुणाचल प्रदेश में जो फैला हुआ जो हमारा हिमालय है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है हमारा, आप यहीं से क्लियर हो जाएगा हमारा, तो पहला हमारा था सिंधु नदी तंत्र या सिंधु से सतलुज रिवर तक का जो पोर्शन है हमारा, या जहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर और पंजाब पाया जाता है, तो पहला इसे बांटा गया है पंजाब हिमालय या जम्मू हिमालय के रूप में। सेकेंड है हमारा उत्तराखंड और यूपी वाला जो पोर्शन आएगा इसमें हमारा, फिर थर्ड है हमारा नेपाल वाला पोर्शन, जहाँ पे उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार पूरा इसको कवर करके रखेगा, और लास्ट का जो पॉइंट है हमारा उसमें नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन हमारा आएगा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है और जो हमारा पश्चिम बंगाल है उसका उत्तर का बिल्कुल जो पॉइंट आता है वो हमारा इसमें आएगा। अब हिमालय को हमने देख लिया, उसकी रेंजेस के अकॉर्डिंग हमने उसके देख लिया, उसका उत्पत्ति कैसे हुई है वो हमने देखा है, उसके अंदर कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं या कौन सी ऊंची चोटी है, कौन से हिमालय में हमारे पर्यटन स्थल पाए जाते हैं उसके बारे में हमने देख लिया, नदियों के आधार पर हमने उसको देख लिया, उसके बाद हमारा जो है प्रादेशिक जो विभाजन है हिमालय का उसके बारे में हमने देख लिया।
फिर हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इंडियन जो हमारा रिलीफ स्ट्रक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हमारा दक्षिण भारत या दक्कन पठार ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी बाउंड्रीज कौन बनाते हैं और कौन कौन सी मेन रेंज इसमें पाई जाती है उसके बारे में हमें भी देखना है अभी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो दक्षिण का पठार है वो इस वाले पोर्शन में आता है और ये जो है ट्रायंगल शेप में है, उल्टे ट्रायंगल की तरह आप इंडिया के मैप में आप इसे पाते हैं इस तरह से। ये आप देख सकते हैं गुजरात से शुरू हुआ और ये यहाँ पे हमारा जो मेघालय और असम जो है उस रीजन में भी यही रॉक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी का भाग यहाँ पे फैला हुआ है, ऐसा ही सेम रॉक स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो है हमारा गुजरात, यहाँ हमारा तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी और इधर जो है हमारे पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है एक उल्टे त्रिभुज के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इसे प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार भी आप इसे बोल सकते हैं। अब जो हमारी मेन इसमें बात है वो क्या रहेगी कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हमें पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर में जो है वो अरावली रेंज, उसके बाद बुंदेलखंड बघेलखंड, और पूर्व में जो है इसका जो हमारे पश्चिम बंगाल का जो पोर्शन है या फिर छोटा नागपुर प्लेटू का जो उभार है, कैमूर पर्वत जो है वो इसकी ऊंची चोटी बनाते हैं, मतलब लास्ट का जो नॉर्थ ईस्ट जो पॉइंट है इसको डिवाइड करने का काम करते हैं वो इसकी उत्तर से बाउंड्री इसकी बनाते हैं और पश्चिम में इसके जो है पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री इसकी बाउंड्री बनाता है और पूर्व में पूर्वी घाट या पूर्वी जो है मैदान इसकी बाउंड्री बनाते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान रखना कि ये वाला जो पोर्शन है तटीय क्षेत्र वाला जो पोर्शन है उसके अंदर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। अब इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट जो है तटीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की क्लाइमेट इस वाले क्लाइमेट की कंपैरिजन में काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक बारिश होती रहती है और टेम्परेचर भी ज्यादा पाया जाता है और टेम्परेचर जो डिफरेंस है ताप का जो अंतर है वो कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज के साथ है, तो इस वजह से इसको अलग से पढ़ेंगे हम और ये जो अंदर का पोर्शन है इसे हम अलग से पढ़ेंगे। अब हमें देखना है कि जो दक्षिण का पठार है हमारा उसमें हमारी कौन कौन सी मेन रेंज आती है। फर्स्ट है हमारी अरावली, फिर है हमारा विंध्याचल, फिर है हमारा सतपुरा हिल्स, ये हमारी कुछ इसकी मेन रेंज है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हमारी जो अरावली जो है हमारे राजस्थान में फैला हुआ है जो हमारे दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन दिल्ली तक की जो बाउंड्री है इसकी वो रिलिक्ट है या अवसादित रूप में हमें देखने को मिलती है। वैसे अगर इसकी प्राचीन समय की बात करें तो लक्षद्वीप तक जो है इसकी एक मतलब श्रृंखला पाई जाती थी, यानी कि लक्षद्वीप भी माना जाता है कि ये इसी का भाग हुआ करता था कभी, लेकिन अभी जो है ये प्रेजेंट में केवल हमारे राजस्थान में भी हमें देखने को मिलता है। ये राजस्थान को दो भागों में भी बांटने का काम करता है, ये बिकॉज ऑफ ये हमारे राजस्थान के बीच में है, तो राजस्थान को पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान से मतलब इसको दो भागों में बांटता है। अब जो अरावली रेंज है हमारी उसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन यानी कि वर्ल्ड के जितने भी मतलब पर्वत या पर्वत संरचना है, माउंटेन बिल्डिंग जो जितने भी हैं माउंटेन्स, उसमें सबसे पुराना सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो अरावली ही माना जाता है और आज जो ये है रिलिक्ट माउंटेन के रूप में पाया जाता है। रिलिक्ट माउंटेन के रूप में या रिलिक्ट का मतलब होता है अवसादित या मतलब टूट फूट हो चुकी है इसकी काफी, तो इस वजह से इसे रिलिक्ट माउंटेन भी कहा जाता है और ये सबसे पुराना है। इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अब जो अरावली है हमारा वो क्वार्टजाइट चट्टानों से बना हुआ है, क्वार्टजाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है और इसमें कुछ एक जो है जीवाश्म वाली जो जीवांश वाली जो मिट्टियां हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। मेन जो है क्वार्टजाइट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। अभी इसकी जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर,
गुरु शिखर इसकी ऊंची चोटी है अरावली की। अरावली जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है इसे, जैसे हर्षनाथ की पहाड़ियां, दिल्ली में दिल्ली की पहाड़ियां, उदयपुर में इसे अलग नाम से जाना जाता है। तो ये था हमारा अरावली। फिर है हमारी विंध्यन रेंज या विंध्याचल श्रेणी जो इसे हम बोलते हैं। विंध्याचल जो श्रेणी है हमारी वो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, इस पोर्शन में हमारी विंध्याचल रेंज फैली हुई है, विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है। और ये हमारे भारत को दो भागों में बांटने का कार्य करती है, यानी कि ये हमारा उत्तर का भाग है, ये हमारे दक्षिण का भाग है। तो मतलब भारत के बीच में से ही क्रॉस करके जाती है, तो इसे भारत को दो भागों में बांटने वाला पर्वत श्रेणी भी इसे कहा जाता है। तो विंध्याचल जो रेंज है हमारी उसका विस्तार हमें देखना है। तो ये रहेगा हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये मुख्य रूप से फैला हुआ है। वैसे जो है ये इसकी जो रिलिक्ट जो फॉर्मेशन है, इसका जो अवसादित जो क्षेत्र है, वो हमारे झारखंड और बिहार तक भी फैला हुआ है, बिहार के सासाराम तक ये फैला हुआ है। अब विंध्याचल जो है वो लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए जिस भी चीज की जरूरत हमें होती है, कंकड़ पत्थर, बजरी, सीमेंट वगैरह, क्रेशर वगैरह जिससे हम बनाते हैं, तो मतलब जो कंस्ट्रक्शन का, भवन निर्माण में जो भी मटेरियल हमें चाहिए होता है, सेल संरचना का, चाहे उसका आकार जैसा भी हो, तो उसका जो उत्पादन है वो विंध्याचल पर्वत से, यानी कि उसके रॉक स्ट्रक्चर से काफी मेल खाता है, तो यहाँ से हमारे उस मटेरियल को लिया जाता है। फिर है हमारी सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज जो है हमारी महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये फैला हुआ है। सतपुड़ा जो है इसे एक ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है, ब्लॉक पर्वत भी इसे कहा जाता है। ये विंध्याचल के साउथ में है, विंध्याचल के साउथ में, यहाँ से आप भी देख भी सकते हैं कि ये हमारी विंध्याचल रेंज है और ये हमारी सतपुड़ा रेंज है। तो विंध्याचल के साउथ में ये लाई करता है, और यहाँ से जो है दो नदियां इसके दोनों तरफ से बहती हैं, मतलब ऊपर से थी इसकी नर्मदा नदी और नीचे से थी ये हमारी इसकी ताप्ती, नर्मदा और नीचे है ताप्ती, नर्मदा। तो यहां से ये रेंज फैली हुई है, तो इस वजह से इसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब ब्लॉक पर्वत इसे क्यों बोला, क्योंकि ब्लॉक पर्वत हम उसे बोलते हैं जिसके दोनों जो दो जो किनारे हैं वो नीचे धंसे हुए होते हैं और बीच का जो एक भाग है वो उभरा हुआ होता है, यानी कि ये इस टाइप से हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये भाग नीचे धंसा हुआ है और ये कोई माउंटेन बीच में खड़ा हुआ है, तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है दोनों तरफ इसकी नदी घाटियां हैं, नर्मदा की और ताप्ती की, और बीच में सतपुड़ा रेंज है हमारा। फिर सतपुड़ा जो है इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है, सतपुड़ा की ऊंची चोटी धूपगढ़, धूपगढ़ इसकी ऊंची चोटी है। अब हमें देखना है कि इसके मेन पठार कौन से रहेंगे। दक्षिण जो भारत का जो पठार है, दक्कन का पठार या प्रायद्वीप, ये भारत का जो पठार है हमारा, उसको कुछ पठारों के आधार पर भी बांटा गया है, जो स्टेट के अकॉर्डिंग छोटे छोटे अलग भागों में उसे बांट दिया गया है। अब उन्हें बांटा क्यों है अलग, क्योंकि उनकी जो फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है, उनका जो सेल संरचना का जो मटेरियल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है या विभाजित है, इस वजह से उन्हें अलग अलग बांट दिया गया है। तो एक भाग है इसका गुजरात, गुजरात का पठार इसे बोल सकते हैं। फिर कर्नाटक में मैसूर का पठार आप इसे बोल सकते हैं, तेलंगाना में तेलंगाना पठार के नाम से ही बोला जाता है, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसे दंडकारण्य का पठार भी बोला जाता है, दंडकारण्य का पठार इसे बोला जाता है, यहाँ पे ये फैला हुआ है। फिर तमिलनाडु में ये तमिलनाडु पठार के नाम से ही पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल में ये छोटा नागपुर प्लेटू के रूप में या छोटा नागपुर पठार के रूप में जाना जाता है, या इसे आप रांची का पठार भी बोल सकते हैं। रांची का पठार, जो जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है या पठार है, ये हमारी खनिज संपदा में बहुतायत रखता है, यानी कि मिनरल्स जो है इसमें काफी मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो हमारे आयरन है या फिर कोल है, एल्यूमिनियम है या तांबा है, मैग्नीज है, वो सभी मतलब जितने भी हमारे खनिज हमारे इंडिया में पाए जाते हैं वो
सभी जो है संगठित रूप से हमारे छोटा नागपुर प्लेटू में जाने जाते हैं, इसीलिए इसे भारत का रूढ़ भी कहा जाता है। छोटा नागपुर जो प्लेटू है, पठार है, उसे भारत का रूढ़ भी कहा जाता है। ये भी हमारा एक प्लेटू है। उसके बाद मेघालय का पठार भी एक मतलब इसको पठार के रूप में विभाजित किया गया है। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेघालय जो है वो हमारे दक्षिण का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है, उसी की सेल संरचना से बना हुआ है। सेम रॉक स्ट्रक्चर वहां पे पाया जाता है, तो ये इसी का भाग माना जाता है। तो इस वजह से मेघालय का जो पठार है वो भी दक्षिण पठार के जो भाग है उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब ये यहाँ से अलग क्यों हुआ? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर, अब मैंने आपको बताया था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो जब हिमालय से नीचे की तरफ आती हैं, बहती हैं, तो इनका एक तो जो है स्पीड मैक्सिमम है, क्योंकि ये अपनी युवावस्था में वहां पे होती हैं। हिमालय से जब ये नीचे की तरफ चलती हैं बहाव करती हुई, तो वहां पे स्टीप स्लोप होता है, इस वजह से अपरदन भी ये ज्यादा करती हैं। तो अपने अपने साथ जो है मैक्सिमम जो वैल्यू है या मैक्सिमम अत्यधिक मात्रा में ये अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इन्होंने अपना जो है डेल्टा का यहाँ पे निर्माण कर दिया, या अपनी जो है जलोढ़ को यहाँ पे बिछा दिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं इसका जो यहाँ से अलग होता हुआ भाग हमें दिखाई देता है। फिर है हमारा नेक्स्ट का जो पॉइंट रहेगा, दक्षिण भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर कौन बनाता है वो हमें देखना है, और वो कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में हमें देखना है। तो जो इसका पश्चिमी भाग है वो हमारे सूरत से, यानी कि गुजरात के साउथ में जो हमारा सूरत शहर है, और जो है ताप्ती नदी के किनारे पे जो बसा हुआ है, वहां से शुरू सूरत से और कन्याकुमारी तक आप इसे बोल सकते हैं, सूरत से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। अब अगर इसके ग्रेडियंट या इसके स्लोप की बात हम करें, तो ये जो है नॉर्थ, क्योंकि यहां से यहां तक मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, तो ये इसका नॉर्थ का पॉइंट रहेगा। तो नॉर्थ का जो पॉइंट है इसका, वो इसके साउथ के कंपैरिजन में, साउथ का जो पॉइंट है उसके कंपैरिजन में नीचा है, यानी कि नॉर्थ का पॉइंट कम ऊंचा है और साउथ का पॉइंट जो है ज्यादा ऊंचा है। अब यहां से इसका ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमारी कालसुबाई रेंज है, उसके बाद कुद्रेमुख जो रेंज है कर्नाटका की, और यहाँ पे हमारी अनाईमुडी जो रेंज है जिसे दक्षिण भारत की ऊंची चोटी भी कहा जाता है। तो ये कालसुबाई जो रेंज है हमारी, जो हमारे महाराष्ट्र में लाई करती है या कोंकण तट का जो भाग है उसमें लाई करेगी, तो उसकी ऊंचाई है 1465 मीटर। और जो हमारी साउथ ईस्ट पॉइंट जो मालाबार भाग में पड़ती है हमारी, साउथ में कन्याकुमारी वाला रीजन में, तो वो है हमारी ऊंची चोटी, तो 2695 अराउंड कुछ अप्रोक्सीमेट इसकी हाइट रहती है। तो यहाँ से क्लियर हुआ हमारा कि नॉर्थ का जो पॉइंट है वो कम उभरा हुआ है और साउथ का जो पॉइंट है वो मतलब काफी ऊपर उठा हुआ भाग है। अब जो हमारा गोंडवाना लैंड जब टूटा था, ये हमारा जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी पठार का जो भाग है, उसे तीन भागों में बांटा गया है। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंटिन्यूस रेंज से बना हुआ है, यानी कि ये जहां से ये स्टार्ट हुआ है वहां से और एंड के पॉइंट तक लगातार कंटिन्यूस फॉर्मेशन में है, लगातार इसकी श्रेणी बनी हुई है, कहीं भी इसमें टूट फूट नहीं है। अब इसे कुछ विद्वान गोंडवाना के विभाजन से इसका उभार बताते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो अफ्रीका से अलग हुआ था, यानी कि गोंडवाना लैंड में ही हमारा अफ्रीका पड़ता है। तो अफ्रीका से जब ये टूट के विभाजित हुआ था, तब उस समय यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी या मैग्नीज, वो जो मैग्मा है वो बाहर निकला था, और वहां बाहर निकलने के बाद जब वो है यहीं पे इकट्ठा होता रहा और जमा हुआ उसका, उस वजह से ये उभार माना जाता है। तो इसी वजह से ये जो है कंटिन्यूस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, और यहाँ से काफी सारी हमारी जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये हमारी मुख्य रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन यहाँ से है, पश्चिमी घाट से है और पूर्व की तरफ वो बहती हैं। अब जो हमारा पश्चिमी घाट है वो मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। मुख्य तीन भाग उसके कौन से रहेंगे? वो है ताप्ती से मालप्रभा, ये ताप्ती नदी से मालप्रभा नदी तक एक भाग है, फिर मालप्रभा से
पाल घाट तक एक भाग है, और फिर पाल घाट से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका तीसरा भाग है। तो इन तीन भागों में इसे बांटा गया है। यहां देखेंगे आप तो ये यहाँ ताप्ती है, उसके बाद मालप्रभा जो हमारी कृष्णा नदी की सहायक है, फिर यहाँ है हमारा पालघाट, और फिर हमारा कन्याकुमारी यानी कि साउथ ईस्ट पॉइंट हमारा रहता है। तो इसको इन तीन भागों में बांटा गया है। अब इसके कुछ मतलब जो हमारे पश्चिमी जो घाट है उसके ऊपर कुछ मुख्य दर्रा है, दर्रे हैं, दर्रे के बारे में हमने बात भी की थी, यानी कि एक कोई भी कंटिन्यूस जो पर्वत श्रेणी होती है उसके बीच में से संकीर्ण रास्ता एक तंग गलियारा बनाया हुआ होता है आवागमन के लिए, उसे हम दर्रा या ला कहते हैं, ला या दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेन हमारे दर्रे भी हैं पश्चिमी घाट में, वो है हमारे थाल घाट, क्योंकि घाट है ये पश्चिमी घाट है इस वजह से इसके साथ घाट हमने ज्वाइन कर दिया, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये मुख्य है हमारे। तो थाल घाट जो है हमारा मुंबई से नासिक को जोड़ता है, और भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और फिर पाल घाट जो है वो तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरला को जोड़ता है पाल घाट, भोर घाट मुंबई और पुणे, थाल घाट मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है। अब हमारे यहाँ पे एक एक और रास्ता है सेनकोटा या सिनकोटा, जो ये हमारी नीलगिरी हिल्स हैं जो केरला और तमिलनाडु की बाउंड्री बनाती हैं उसके ऊपर है, जिसे केरल और तमिलनाडु को जोड़ने के लिए रास्ता बनाया गया है, उसे सिनकोटा भी कहते हैं। तो ये हमारे कुछ मेन पॉइंट्स थे पश्चिमी घाट के, मतलब तीन भाग हमने कर लिए। उसके बाद वहां पे कौन से पास हैं यानी कि कौन सा रास्ता किसको जोड़ता है वो भी हमने देख लिया। अब पूर्वी घाट हमें देखना है कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। तो पूर्वी घाट का विस्तार कन्याकुमारी से और स्वर्णरेखा नदी तक या पश्चिम बंगाल तक आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि स्वर्णरेखा जो है हमारी नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहली हमारी रिवर थी जब हमने साउथ इंडिया की रिवर के बारे में पढ़ा था। तो आप इसे बोल सकते हैं कि इसका विस्तार स्वर्णरेखा से कन्याकुमारी तक है। हाँ, कन्याकुमारी तक है। अब जो इसका ये पूर्वी घाट रहेगा, अब इस साइड वाला जो घाट हमने देखा था वो जब गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ था तब यहाँ पे मैग्मा निकला और उस वजह से यहाँ पे उभार हुआ। कुछ विद्वान जो हैं इसे सबमर्ज प्रोसेस का एक केंद्र भी मानते हैं। सबमर्ज क्यों कहा इसे, क्योंकि द्वारिका आपने सुना होगा, द्वारिका जिसे कृष्णा की नगरी भी कहा जाता है, जो गुजरात में थी और अब जो है वो समुद्र में डूब गई है, समुद्र में विलीन है, उस वजह से इसे क्या है सबमर्ज प्रोसेस का उदाहरण भी माना जाता है। उसके बाद मालाबार जो तट है हमारा सबमर्ज और अपमर्ज दोनों का ही उदाहरण रहता है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो हमारा पॉइंट है कि पूर्वी घाट जो है वो किस तरह से बना हुआ है, ये वाला जो था कॉन्टिन्यूस पर्वत श्रेणी से बना हुआ है, और ये वाला जो है कटी फटी पर्वत श्रेणी से बना हुआ है, यानी कि इस तरह से। अब वो कटी फटी क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी मेन रिवर्स जा रही हैं जैसे महानदी है गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो इन नदियों के बहाव ने इनके फ्लो की वजह से यहाँ पे अपरदन हुआ, टूट फूट हुई, और इनकी जो है जो पर्वत श्रेणी है वो विखंडित हो गई, जो दरारों की वजह से मतलब टूट गई है, लगातार कंटिन्यूस रेंज में वो नहीं है। अब इसे भी हमारे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है कन्याकुमारी से कृष्णा और कृष्णा से स्वर्णरेखा, दो भागों में बांट दिया इसे, कन्याकुमारी से कृष्णा, और सेकंड है कृष्णा नदी से स्वर्णरेखा तक इसको बांट दिया। अब इन्हें दो नाम दिए गए हैं, इसे दो नाम दिए गए हैं पूर्वी घाट को कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा तक का जो भाग बताया मैंने आपको उसे कोरोमंडल कोरोमंडल तट,
ये वाला पोर्शन कन्याकुमारी से और कृष्णा नदी का मुहाना जो है वहां तक का जो पोर्शन है आंध्र प्रदेश में, वहां तक का जो भाग है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। और इसके ऊपर का जो भाग रहेगा हमारा आंध्र प्रदेश से और स्वर्ण रेखा या पश्चिम बंगाल तक का जो हमारा पोर्शन है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ये एक कटी फटी संरचना है पूर्वी घाट की, तो यहाँ पे कोई पास नहीं है, कोई दर्रा नहीं है। यहाँ पे थे हमारे थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट। अब जो हमारा पश्चिमी घाट है वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से इसे जैसे हमने अभी किया कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उसमें हमने देखा कि तीन भागों में बांटा था वो, ताप्ती से मालप्रभा, मालप्रभा से पालघाट और पालघाट से कन्याकुमारी। अब पश्चिमी घाट को हम सहाद्री के नाम से भी जानते हैं, पश्चिमी सहाद्री या सहाद्री आप इसे बोल सकते हैं, सहाद्री के नाम से इसे जानते हैं। तो सहाद्री को जो है जब हमने बताया था कि ताप्ती से मालप्रभा, सेकंड था मालप्रभा से पालघाट और थर्ड था हमारा पालघाट से कन्याकुमारी तक, तो ये तीन भाग हमने इसके सहाद्री के कर दिए थे। तो ये वाला जो पोर्शन है इसे उत्तरी सहाद्री, इस वाले को मध्य सहाद्री और लास्ट वाले को दक्षिणी सहाद्री भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर का जो पोर्शन था उत्तरी, बीच का मध्य और नीचे वाला, क्योंकि हमारे इंडिया का भी साउथ ईस्ट पॉइंट वहां पे है, तो इसे दक्षिणी सहाद्री भी कहा जाता है। अब हमारा जो मैदानी भाग इंडिया की मोर्फोमीटरी में हमने अभी तक किया कि हिमालय पर्वतीय, जो हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश था वो हमने किया, उसके बाद दक्षिणी जो भारत का जो पठार है उसको अलग अलग पठारों में हमने किया, उसके अलग अलग जो मुख्य जो रेंज थी विंध्यन और सतपुड़ा या अरावली, उसके बाद पश्चिमी घाट किया और पूर्वी घाट हमने किया, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि उत्तरी भारत का मैदान जो हमारा सबसे मेन पॉइंट रहता है, ये सबसे मुख्य है उत्तरी भारत का मैदान। अब उत्तरी भारत का जो मैदान है वो मैंने आपको बताया था जब हमने हिमालय किया था, शिवालिक रेंज, शिवालिक के नीचे जो हमारा रहता है वो हमारे उत्तरी मैदान का भाग रहता है। जब हमने हिमालय का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया था उसमें हमने किया था HFF, MBT और MCT, ISZ, ये ट्रांस हिमालय था, ये ग्रेट हिमालय था, ये मिडल हिमालय था, ये हमारा शिवालिक था और ये हमारा प्लेन या मैदानी भाग था। तो शिवालिक को प्लेन से अलग करने वाली बाउंड्री हमने की थी HFF, जिसे हिमालयन फ्रंट फोल्ड कहते हैं। तो हिमालय के नीचे का जो पोर्शन बचा है हमारा उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ से हमारी जो है शिवालिक रेंज है, अब इसके नीचे जो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है हमारा मैदानी भाग, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे कि उसको उसके फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके सेल के जो संरचना के कण है, आकार है, उसके आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो वो रहेंगे हमारे चार भाग, भाबर, तराई, फिर है बांगर और लास्ट है हमारा खादर। ये इसकी सीक्वेंस है, ये नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ तक रहेगी, इसको सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। तो भाबर उस रेंज को बोलेंगे जो जस्ट गिरिपद में आती है, यानी कि शिवालिक के जस्ट साउथ में जो हमारा रीजन रहेगा उस पोर्शन को हम भाबर कहते हैं। भाबर भी लिखा मिल सकता है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। तो शिवालिक के फुट हिल्स में या पर्वत जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उसके गिरिपद में हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आकार है पर्वत पर्वत के जो चट्टाने हैं, जो टुकड़े हैं, टूटे फूटे टूट फूट के जो नदियों के अवसाद के साथ बह के आए हैं, जिनका जो आकार है वो काफी बड़ा होता है, उसका जमाव जो है जस्ट शिवालिक के नीचे हमें हमें मिलता है देखने को, उसे भाबर कहा जाता है। अब यहाँ से जो भी नदियां आई थी वो अपने साथ जब अपना रास्ता बनाती हुई आई हैं, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर और बहुत बड़े बड़े शैल खंड भी वो लेके आई है, तो उनका जमाव इस रीजन में हमें देखने को मिलता है। ये एक संकरी पट्टी होती है जिसकी चौड़ाई जो है 8 से 16 किलोमीटर तक ही पाई जाती है।
यानी कि जस्ट हिमालय के साउथ में इस पोर्शन में हमें ये देखने को मिलेगी, हिमालय के जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन देख लेना आप, क्योंकि नेपाल जो है वो पूरे हिमालय से कवर है ही, हमारे वाले रीजन में हमें देखना है। तो संकरी पट्टी है एक, इसमें बड़े बड़े शैलखंड हमें देखने को मिलते हैं और कंकड़ पत्थर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब नदियां जो हैं जब यहाँ से बहती हुई आती हैं तो इस क्षेत्र में वो नदियां जो हैं लुप्त हो जाती हैं। अब नदियां लुप्त क्यों हुई, क्योंकि जो पत्थर हैं जो शैलखंड हैं उनका साइज इतना बड़ा है कि जब नदियां इसके अंदर से क्रॉस करके जाती हैं तो वो ऊपर हमें दिखाई नहीं देती, वो नीचे से ही फ्लो करके जाती हैं और इस वजह से यहाँ पे नदियां जो हैं लुप्त प्राय हो जाती हैं या डिसअपियर हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो है चट्टान उनकी पारगम्यता भी अत्यधिक होती है, पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी और पोरेसिटी, जंदरता और पारगम्यता, जो मतलब चट्टानों में ऐसी एक मतलब विशेषता होती है कि वो अपने अंदर पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो उस चीज को हम पारगम्यता बोलते हैं। इसके बारे में हम मेरी जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अभी हमें मैदान के बारे में पढ़ना है। तो ये था हमारा फर्स्ट, जो गिरिपद में पाया जाता है, संकरी है, इसमें बड़े बड़े शैलखंड पाए जाते हैं और ये नदियों के लुप्त होने या नदियों के जो रिवर डिसअपीयर होने का जो पोर्शन है वो इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तराई, इसमें महीन रेत के कण पाए जाते हैं, महीन रेत के कण या जो नदी अपने साथ जो रेत बालू रेत या छोटा छोटा मतलब बालू के कण जो क्ले के जो कण लेके आई है वो यहाँ पे बिछा देती है अपने साथ। और यहाँ पे नदियां जो हैं दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे नदियां जो हैं पृथ्वी के नीचे मतलब जो शैलखंड है उनके नीचे चली गई थी, लुप्त हो गई थी, यहाँ पे उन नदियों का उभार हमें दोबारा से देखने को मिलता है, यानी कि पानी की अपवेलिंग प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमें दलदली क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहता है, तो यहाँ पे जो रीजन रहता है वो मोस्टली दलदली होता है। यहाँ पे झीलें भी पाई जाती हैं जिन्हें अनुप या लैगून कहा जाता है। अब लैगून किसे बोलते हैं, जो खारे पानी की जो झील होती है उसे लैगून कहा जाता है। इसके बारे में जब हम झील पढ़ेंगे तब अच्छे से कर लेंगे, अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि तराई रीजन में दलदली भूमि देखने को मिलती है, नदियां जो है फिर से पुनः धरती पर प्रकट होती हैं, पानी की अपवेलिंग प्रोसेस देखने को मिलती है, रेत के महीन कण या फिर जलोढ़ का बिछाव या विस्तार हमें देखने को मिलता है, अनुप या लैगून हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और आर्टिजियन वेल, आर्टिजियन वेल जिसे पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है वो भी तराई रीजन में देखने को मिलते हैं और जो मोस्टली हमारे उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। अब हमारा रहेगा बांगर, बांगर बांगर हम उसे बोलेंगे जो पुराने जो जलोढ़ मिट्टी का जमाव है, जहां पे आज अगर प्रेजेंट में देखें तो वहां पे पानी नहीं जा रहा है, बाढ़ का पानी नहीं जा रहा या फिर नदियां जो फ्लो करके जा रही हैं वो नई अवसाद वहां पे नहीं डाल रही, नई मिट्टी वहां पे नहीं जमा की जा रही, तो वो वाला पोर्शन रहेगा हमारा बांगर, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, पानी की कमी इसमें होती है, पानी की मात्रा कम इसमें देखने को मिलती है हमें। और यहाँ पे जो नदी है पहले जब नदी उस टाइम पहले जब फ्लो करके आती थी तो यहाँ पे नदियों ने अपना अवसाद जमा कर दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा जमा हो या फिर टीले उभर जाने के कारण नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि यहाँ पे वाटर डिवाइड का काम कर दिया इस टीले ने उभार के कारण, तो यहाँ से पहले नदी यहाँ से फ्लो करके जाती थी लेकिन वो आज है अपने इस रास्ते से जा रही है, तो यहाँ पे आज नदियां नहीं जा रही, तो इस वजह से यहाँ पे जो टीले बने थे बांगर में, क्योंकि पानी की कमी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है नदी जो टीले उभरे हुए मिलते हैं उन्हें भूड कहा जाता है, भूड भूड कहा जाता है। और ऐसा समतल मैदान, समतल मैदान जिसके ऊपर हमें नमक की परत या सफेद कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत हमें दिखाई देती है वो वाली सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, जिसे रेह या कलर भी कहा जाता है। जो आपने जो बच्चे जो है अगर रूरल एरिया से कोई बिलोंग करता है तो उसको इजीली समझ आ जाएगा ये वाला पोर्शन। फिर है हमारा खादत, जो साउथ मोस्ट का जो पोर्शन है या नदी के मुहाने के पास का जो पोर्शन रहेगा हमारा वो खादर है। इसमें नई जलोढ़ मिट्टी प्रतिवर्ष बिछाई जाती है
प्रति वर्ष नई जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे बिछाई जाती है, ये मैक्सिमम फर्टाइल फर्टाइल या फिर फर्टिलिटी फर्टिलिटी वाली जो पोर्शन है या भूमि है, ये हमें देखने को मिलती है। और ये यहाँ आप बिहार उत्तर सॉरी बिहार और झारखंड वाला जो पोर्शन है वहां पे आप देख सकते हैं, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उस वाले रीजन में आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ कि शैल संरचना के अकॉर्डिंग, नदी के बहाव के अकॉर्डिंग और अवसाद का जो कण है, मात्रा है, उसका जो साइज है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 4 भागों में बांट लिया। भाबर, तराई, बांगर और खादर। भाबर स्टार्ट होगा हमारे जस्ट फुटहिल से और नदी के मुहाने पे ये खत्म हो जाएगा, यानी कि जो हमारी नदी है उसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, यानी कि ओरिजिन से लेके डिपोजिशन तक इसके जो है जो ट्रेवल का जो पोर्शन रहा उसका, उसकी जो जर्नी है उसको 4 भागों में हमने बांट दिया, उसके अवसाद को बिछाने की या फिर उसकी जो बहने की दर थी उसके आधार पर इसको बांट दिया था। इसका नॉर्थ से साउथ जो ऋषि विशन है, इसके जो नाम है सिक्वेंस जो है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हमें करेंगे उत्तरी जो मैदान हम कर रहे हैं उसका प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन में हम क्या देखेंगे कि पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा पंजाब हरियाणा, इसमें दिल्ली भी आ जाएगा, दिल्ली वाला रीजन भी आएगा हमारा। सेकंड रहेगा हमारा राजस्थान का पोर्शन। थर्ड रहेगा हमारा गंगा मैदान, और फोर्थ रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पंजाब या हरियाणा वाला जो पोर्शन है हमारा वो सतलुज से रावी नदी के बीच का जो पोर्शन है, या यमुना तक का जो पोर्शन है, आप इसे बोल सकते हैं सतलुज से यमुना तक का पोर्शन, क्योंकि रावी सतलुज के ऊपर है। तो रावी से शुरू करके और सतलुज जो यमुना है हमारी जो गंगा की सहायक है, वहां तक का जो एरिया है हमारा वो इसका फर्स्ट डिवीजन में आएगा, पंजाब हरियाणा डिवीजन या प्रादेशिक विभाजन में हम इसे बोलेंगे। सेकंड रहेगा हमारा राजस्थान, जो पहले जहां से नदियां फ्लो करती थी लेकिन अब उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली है अपनी, तो यहाँ पे भी उसका रीजन रहता था, राजस्थान का रीजन हमारा रहेगा। अब ये राजस्थान के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अरावली जो है इसको 2 भागों में बांटता है। अब राजस्थान की हम देख लेते हैं कि अरावली जो रेंज है उसके पश्चिम में और पूर्व में कौन सी नदियां फ्लो करती हैं। तो पूर्व की जो है हमारी मुख्य नदियां हैं चंबल है, बनास है और बेतवा है, ये नदियां इसके पूर्व की हैं जो यहाँ से ओरिजिन करके पूर्व की तरफ बह के जाती हैं, और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है माही और लूनी। लूनी एक छोटी सी रिवर है जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि गुजरात के कच्छ का जो रण है वहां पे जाके ये डिसअपियर हो जाती है। फिर राजस्थान जो है अपने जो बारिश है उसके अकॉर्डिंग भी 2 भागों में बटा हुआ है, क्योंकि ये एक मतलब विभाजन का, डिवाइडर का काम करता है अरावली। क्योंकि पूर्व का जो भाग है, ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बारिश, जब पश्चिम की तरफ मानसून जब आता है तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश पाई जाती है, लेकिन इसका जो पश्चिमी भाग है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो वहां पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पाई जाती है। अब यहाँ पे जो रीजन रहेगा हमारा वो वनस्पति विहीन है, मनुष्य विहीन है, या जीव जंतु विहीन आप इसे बोल सकते हैं, मतलब अनफर्टाइल लैंड के रूप में आप इसे जानते हैं। उसके बाद ये जो पूर्वी भाग रहेगा वहां पे यूपी एमपी और हरियाणा से जो सिमिलरिटी रखते हुए रीजन हमारे यहाँ पे आता है, यहाँ पे अत्यधिक जो है मोटे अनाज की खेती की जाती है, और यहाँ पे जो है नहरों द्वारा या नदियों के द्वारा भी सिंचाई यहाँ पे चली जाती है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब कंपैरिजन में इसके, यानी कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो जन विहीन है कंपैरिजन में पूर्वी भाग के, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाया जाता है। राजस्थान की जो जो राजधानी है, कैपिटल है जयपुर, वो भी इसी पोर्शन में पाई जाती है, और पश्चिम का जो पोर्शन है वहां पे शुष्कतम मौसम पाया जाता है, मतलब शुष्क क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है जिसे थार का मरुस्थल के रूप में जानते हैं। थार का मरुस्थल जो हमारे भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री क्रिएट करता है, एक नेचुरल सीमा बनाता है, तो यहाँ पे हमारा थार का मरुस्थल पाया जाता है।
और मतलब शुष्कतम क्षेत्र अभी से बोल सकते हैं इंडिया का, और इस वाले पोर्शन में अर्ध शुष्क क्लाइमेट या स्टेपिक क्लाइमेट पाई जाती है। अब कोपेन महोदय ने भी मतलब यहाँ पे कंसंट्रेट करके अपने कुछ वर्ड दिए थे, जैसे थार का मरुस्थल जो है यानी कि अरावली का पश्चिम का जो भाग है वहां पे BW HW यूज किया था, और जो अरावली का जो पूर्वी भाग है वहां पे उन्हें स्टेपी के लिए BHHW वर्ड का यूज उन्होंने किया था। तो ये था हमारा राजस्थान का पोर्शन, इसकी नदी हमने देख ली है, इसकी बारिश के बारे में भी हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा गंगा मैदान। गंगा मैदान गंगा के ओरिजिन से गंगा का मुहाना जहां है तो यहां तक इसको हमें देखना है। तो यहाँ इसका ओरिजिन हुआ उत्तराखंड से और ये पश्चिम बंगाल तक मतलब फैली हुई है या इसका विस्तार है। तो गंगा मैदान को क्योंकि ये बहुत ज्यादा विस्तार वाला है तो इसको तीन भागों में हमने बांट दिया है। पहला रहेगा हमारा उत्तरी गंगा, फिर है मध्य गंगा और लास्ट है हमारा निमन गंगा। अब उत्तरी जो गंगा वाला पोर्शन रहेगा उसमें हमारे उत्तराखंड और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा लाई करेगा, फिर मध्य गंगा का जो पोर्शन रहेगा उसमें हमारा उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का जो पोर्शन उत्तरी गंगा के बाद हमारा जो बचा है वो उत्तर प्रदेश का पोर्शन, और पश्चिमी बिहार का पोर्शन मध्य गंगा में, और बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो पोर्शन है हमारा वो निम्न गंगा में आता है। अब जो गंगा का मैदानी जो भाग है वहां पे कुछ सिंक यानी कि धसाव वाली जगह भी पाई जाती है, कहीं पे उभरे हुए भाग भी पाए जाते हैं। अब जो धसाव वाली जो जगह है उसे बिल, और जो उभरे हुए भाग हैं टिल्ले के रूप में उन्हें चो के नाम से जाना जाता है, जो मध्य गंगा का मैदान है उसमें। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो खादर, जब भाबर तराई बांगर खादर जब हमने किया था तो खादर का जो जमाव है उसे मध्य गंगा का जो रीजन है उसमें पंजाब में उस वाले पोर्शन को बेट कहा जाता है, पंजाब या हरियाणा का जो पोर्शन है उसमें बेट के नाम से हम जानते हैं। फिर रहता है हमारा ब्रह्मपुत्र मैदान जो अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय की जो वेस्ट नॉर्थ का जो पोर्शन है वहां पे फैला हुआ है, वो रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये थे हमारे उत्तरी भारत का मैदान कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितना इसका विस्तार है। उसके बाद इसका हमने सीक्वेंस भी कर लिया, भाबर तराई खादर बांगर, और फिर इसका प्रादेशिक विभाजन भी हमने देख लिया। अब जो खादर का मैदान है उसे उत्तरी गंगा का जो मैदान है उसमें या फिर पंजाब हरियाणा में आप बोल सकते हैं तो वहां पे उसे बेट कहा जाता है, और निम्न गंगा की जब आप बात करेंगे वहां पे उसे चो या बिल के रूप में जानते हैं, जो ऊपर उभरा हुआ है उसे चो और नीचे धंसा हुआ जो है उसे बिल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पूर्वी घाट के मैदान है वो पश्चिमी घाट के मैदान है वो, और पूर्वी घाट के मैदान कौन से रहेंगे वो देखना है हमें। तो ये हमारा है पश्चिमी घाट और ये है हमारा पूर्वी घाट। तो घाट है, घाट यानी तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास का जो पोर्शन है, जो यहाँ पे जो एक कंटिन्यूस जो रेंज मैंने बताई थी, इस साइड कटी फटी एक रेंज बताई थी जो नदियों के कारण कट गई थी, बहाव के कारण ये हमारी नदियां थी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनारी, ये हमारी नदियां थी, तो इनके फ्लो के कारण ये कट गई है। अभी के लिए हमें बात करना है कि पश्चिमी मैदान, पश्चिमी घाट का मैदान और पूर्वी घाट का मैदान। तो ये तट के बाद का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमारे मैदान हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा ये गुजरात वाला पोर्शन भी इसमें आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ से शुरू करके यानी कि फर्स्ट जो पोर्शन रहेगा हमारा वो है गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, फिर सेकंड है हमारा कोंकण तट, कन्नड़ तट, और लास्ट है हमारा मालाबार तट। अब पूर्वी भाग जो है मैंने आपको बताया था कि कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल या स्वर्ण रेखा नदी तक वो फैला हुआ है, तो उसे भी दो भागों में बांटा गया है। ये था हमारा कोरोमंडल तट, और ये ऊपर का जो हमारा बचा है वो है उत्तरी सरकार। तो ये हमारे मैदानी भागों के नाम हैं। सह्याद्री को तीन भागों में बांटा गया है, चार भागों में, जो गुजरात की जो
तटीय रेखा पे जो भाग है उसे गुजरात तट के तटवर्ती क्षेत्र या गुजरात का तट, गुजरात तटीय मैदान के भाग में जाना जाता है। फिर सेकंड जो है हमारा महाराष्ट्र से कर्नाटक की ऊपर की बाउंड्री जो है, ये गोवा तक भी आप इसे बोल सकते हैं, गोवा तक, गुजरात का जो साउथ ईस्ट जो पॉइंट है वहां से शुरू करके और गोवा तक ये फैला हुआ है कोंकण, गोवा से कर्नाटक की जो बाउंड्री है वहां तक हमारा कन्नड़ तट है और वहां से कन्नड़ से मतलब कर्नाटक की जो बाउंड्री है वहां से कन्याकुमारी तक ये है हमारा मालाबार तट। तो ये हमारे पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी तटीय जो मैदान है वो हमारे यहाँ से कंप्लीट हुए। तो हमने आज देखा है कि उत्तरी भारतीय मैदान कहाँ कहाँ फैला हुआ है और उसके कितने भाग हैं, नदियों के आधार पर उसको बांटा गया है, उसके साइज या रॉक स्ट्रक्चर है जो फॉर्मेशन है उसके आधार पर उसको बांटा गया है। फिर हमने देखा कि उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र है हिमालय, उसको तीन भागों में बांटा, उसकी श्रेणियां हमने देखी, किसमें पर्यटन स्थल है, किसमें हमारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं वो हमने देख लिया। फिर दक्कन का पठार जो है उसके टूटे फूटे जो मतलब अलग अलग शैल संरचना के आधार पर कुछ राज्य के अकॉर्डिंग जो अलग अलग पठार बताए गए हैं वो हमने देखा। उसके बाद पश्चिमी सह्याद्री को तीन भागों में बांटा है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी सह्याद्री। फिर उनके तटवर्ती मैदानों के आधार पर फिर उसे दो भाग, तीन भागों में, चार भागों में बांटा, सॉरी, गुजरात, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पूर्वी जो भाग है उसे उत्तरी और मतलब कोरोमंडल तट दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से हमारा जो इंडियन रॉक स्ट्रक्चर था, सॉरी, इंडियन मोर्फोमेट्री एंड रिलीफ स्ट्रक्चर जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे क्लियर हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।